इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम तमाम आज डीसी दफ्तर के सामने मौजूद हैं। भारतीय मुस्लिम सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम के नाम से एक तंजीम, एक इदारे का कायम बेलगाम में अमल में आया है, लिहाजा इन्होंने डीसी एमजी हिरेमठ से मुलाकात करके मुतालबा पेश किया कि बेलगाम शहर वैसे भी बढ़ता जा रहा है, तादाद भी बढ़ती जा रही है, ख़ासकर मुस्लिम समाज के अगर मद्देनज़र रखा जाए तो कब्रिस्तान का मामला आज सरे फहरिस्त है। लिहाजा इसी के मद्देनज़र डीसी बेलगाम को उन्होंने मुतालबा पेश करते हुए एक और जगह जहां पर मुसलमानों के लिए आसानियां फराम हो सके, लिहाजा हमारे साथ मौजूद हैं जिम्मेदार जनाब एडवोकेट इकबाल मुल्ला साहब। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप जो डीसी साहब को मुलाकात किए तो आपने क्या मुतालबा पेश किया? हमारे दो मुतालबात थे। एक तो जो है अभी जो प्रेजेंट कब्रिस्तान है हाल ही में जो अंजुमन इस्लाम के ताबे में है, तकरीबन 27 एकर्स कुछ होंगी, आपको तमाम लोगों को मालूम होगा कि पूरा फिलअप हो गया है। और हाल ही में जो लोग कम से कम 800 लोग जो है इस कोविड-19 में जो है गुजर गए हैं उनको भी यहाँ दफनाया गया है। तो पूरा जायज़ा हमें लेंगे तो हमारा मुसलमानों का एक डिमांड है कि ये कब्रिस्तान पूरा फिलअप हो गया है, नए अभी आने वाले जनरेशन को जो है दफनाने के लिए एक एडिशनल जो है कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड की सख्त ज़रूरत है। तो इस ज़माने में जो है हम लोग मीटिंग लेके तय किए कि डिप्टी कमिश्नर साहब को एक ये देंगे, एप्लीकेशन देंगे, दरख्वास्त करेंगे कि हम जो है एक 10 एकर्स ऑफ लैंड जो है अगर मुस्लिम कम्युनिटी को ग्रांट कर दिए तो हमारे को सबको सहूलियत होगी कि आसपास के जितने भी मुसलमान हैं अनगोड़ क्याम और सराउंडिंग जो विलेजेस के लोग जो है वो मुश्किलात में है कि कहाँ बॉडी दफन करें। अगर डीसी साहब और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है कि जो है सब समाज के लोगों को जो है कब्रिस्तान की लैंड फराहम किए जाए, तो इस संबंध में हम लोग जो है डीसी साहब को मिले और इससे दरख्वास्त की है कि एटलीस्ट कम से कम 10 एकड़ अगर ज़मीन अगर हमारे को ग्रांट करके अलॉटमेंट करके मुस्लिम्स को देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, ऐसा हमें दरख्वास्त किया और पॉजिटिव रिस्पांस भी डीसी साहब का है। और दूसरी बात यह है कि माइनॉरिटीज़ के लिए खासकर मुसलमानों के लिए जो है एक प्रोफेशनल बॉयज़ हॉस्टल की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ अतराफ के बहुत सारे स्टूडेंट्स बेंगलुरु के हो, बॉम्बे के हो, यूपी के हो, गोवा के हो, यहाँ पर बेलगाम को जो है अपनी अपनी तालीम हासिल करने के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, डिप्लोमा और कई कोर्सेस यहाँ पर जो मौजूद है वो पढ़ने के लिए आते हैं, उनको जो है हॉस्टल की फैसिलिटीज़, बॉयज़ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास हम लोग प्रपोजल दिए हैं, ऑलरेडी 2 साल से चल रहा है, तो 8 घंटे की लैंड जो है एम बीके कंगराड़ी के पास जो है मौजूद है, वहाँ पे बूढ़ा कमिश्नर साहब भी विजिट किए हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर के पास भी जो रिकॉर्ड मौजूद है, पहले के जो है वक्फ मिनिस्टर भी जो है रिकमेंड किए हैं, डीसी साहब के पास भी करेस्पॉन्डेंस मौजूद है। तो हम लोग जो है उनसे दरख्वास्त किए कि वो 8 घंटे का लैंड अगर बॉयज़ प्रोफेशनल बॉयज़ मुस्लिम यानी माइनॉरिटी हॉस्टल को अगर देंगे तो एक अच्छी सहूलत होगी, एजुकेशन के लिए बढ़ावा होगा और एक एनकरेजमेंट होगा, उनको जो है मेस की फैसिलिटीज़ सख्त ज़रूरत, नहीं तो स्टूडेंट जो है जगह जगह भटकना पड़ता है, मेस लाइब्रेरी जो जितने भी सहूलत हैं
अगर बॉयज़ प्रोफेशनल कोर्सेज जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको देंगे तो अच्छी एक अच्छा काम होगा एजुकेशन के फील्ड में। तो और एक जो है हम मेमोरेंडम दिए हैं जिसमें जो है डीलिमिटेशन ऑफ वार्ड जो बेलगाम में जो बनाए हुए हैं 1918 में जो है बनाए हुए थे कांग्रेस के दौर में, वही जो है गैजेट नोटिफिकेशन अब रिपीट हो रहा है। अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट के गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर इलेक्शन कंडक्ट करेंगे तो मुस्लिम्स यहाँ पर बहुत कम चुन के आएंगे इलेक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा दो मुस्लिम जो है इलेक्ट होके आएंगे। तो ये भी जो है डिफ़िकल्टीज जो है हम लोग बहुत यहाँ पर फेस किए हैं कि तो वार्डों को जो है डिवाइड कर दिया है, जहाँ जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ पर फोड़ दिया गया है, वहाँ पर जो मुस्लिम्स आने के लिए बहुत कम चांसेस हैं। अगर फेवरेबल माइनॉरिटी एरिया कहाँ पे है वहाँ पर जो है सहूलत देकर अगर वार्ड रचना हो गई, फिर से वार्ड रचना होगी तो जो मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। पिछले मरतबा 7 हमारे कॉरपोरेटर चुन के आएंगे, अगर वार्ड अगर फिर से डिलिमिटेशन के मुताबिक जो है फिर वार्ड रचना होंगी, फिर से गैजेटेड नोटिफिकेशन होंगे, इंक्वायरी होंगी, होके जो है फिर एक फाइनल स्टेज पे आ जाएंगे तो बेलगाम के जो बॉर्डर एरिया के मुस्लिम हैं महाराष्ट्र कर्नाटक, हम लोग हमेशा जो है कर्नाटक का साथ दिया है बेलगाम के मुस्लिम, इसी तरह जो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यहाँ के मुसलमानों को भी जो है साथ देना है कर्नाटक गवर्नमेंट। तो हम दरख्वास्त भी कर रहे हैं कर्नाटक गवर्नमेंट से जो है बेलगाम मुस्लिम्स के लिए, बॉर्डर मुस्लिम्स के लिए जो है हमको फैसिलिटी फराहम करें, वार्ड रचना फेवरेबल करें कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है उर्दू कॉरपोरेटर चुन के आए ताकि वो कन्नड़ा कॉरपोरेटर्स की मदद करें, ये हमारा मंशा है। और बाकी जो है ये तंजीम हमारी जो बनी हुई है ये सब प्रोमिनेंट मुस्लिम्स है, पहली मरतबा बेलगाम के हिस्ट्री में। इसके आगे भी जो है हम तय किए हैं कि यहाँ शरीयत कोर्ट बनाने वाले हैं हम, यहाँ पर 3 मेंबर कमेटी जो है उसमें होंगी, उसमें जो है एक तबलीगी, एक सुन्नी और जमात इस्लामी और एक मुस्लिम एडवोकेट, ताकि जो है यहाँ के जितने भी छोटे छोटे मसाइल हो, पार्टीशन के हो, प्रॉपर्टी के हो, या मैट्रिमोनियल औरत और मर्द के अगर कुछ भी डिस्प्यूट भी हो कि एक फोरम के ज़रिए जो है शरीयत कोर्ट के ज़रिए जो है उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर जो है हम लोग जल्द से जल्द जो है हम बेलगाम सिटी में पहली मरतबा जो है शरीयत कोर्ट बनाने जा रहे हैं। और ये जो है कंसिलेशन वहाँ पे होगा, ये नहीं कि जो उनका फैसला फाइनल होगा, मगर कोशिश ये की जाएगी कि मुसलमान जितने भी जो है झगड़े कर रहे हैं वो उमन पुलिस स्टेशन को जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, वो मत जाए, वहाँ पर जो है बदसलूकी होती है, मसाइल जल्दी हल होते नहीं हैं। अभी कभी हमारे हाईकोर्ट के जज आए हुए थे फंक्शन, उन्होंने बता रहे थे कि मामला जो है जल्द से जल्द निपटना चाहिए, डिसीजन जल्दी होना चाहिए, 30-40 साल अगर पार्टीशन सूट में हम ये कोर्ट कचहरी को घूमेंगे तो हमारे मसाइल हमको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो ये प्री ट्रायल जो डिसीजन जो दी जाएगी शरीयत कोर्ट से जो है एक मुसलमानों के लिए सहूलत होगी। और जल्द से जल्द जो है हमारा इरादा है हमारे फोरम के ज़रिए जो है वो हम लोग यहाँ शरीयत कोर्ट कायम करेंगे और मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब डॉक्टर एडवोकेट इकबाल मुल्ला साहब, उन्होंने तमाम तफसीलात पेश करते हुए कहा कि शरई जो है अदालत का भी क़याम जो है इसी भारतीय मुस्लिम सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम के ज़रिए से वो अमल में लाना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने DCMG हिरेमठ से मुलाकात करके अपने मुतालबात पेश किए। उम्मीद है कि इनके तमाम मुतालबात को हुकूमत सुनकर अमल पैरा होगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।